देश में एंटीबायोटिक दवाओं की लगातार जो बिक्री बढ़ रही है और उसके बाद जिस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है उसको लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और इसे लेकर भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आदित्य आत्रे। दरअसल एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है और इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें साफ तौर पे अब कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवा तभी मरीज को किसी मेडिकल स्टोर से मिलेगी जब डॉक्टर से लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के अब एंटीबायोटिक दवाएं मरीजों को नहीं मिल पाएगी। और इसका एक कारण ये बताया गया है कि बीते कुछ समय से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग जिस तरह से बढ़ रहा है तो मानव शरीर के अंदर जो एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर जो रेजिडेंस है वो बनता जा रहा है, यानी अब एक चिंता ये जाहिर की जा रही है कि अगर इसी तरह से लगातार एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में असर दिखाना बंद कर देगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार की एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। यानी अब इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये दवा नहीं लिखी जाएगी और बहुत अत्यधिक जरूरी होने पर ही डॉक्टर द्वारा जो एंटीबायोटिक है वो मरीज को लिखी जाएगी। आइए सुनते हैं कि चिकित्सक का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और एंटीबायोटिक दवाइयों का जो उपयोग लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर जो चिकित्सक हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, उसके तहत जितने भी मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उसको डायरेक्शन दी गई कि वो दवाइयों के रैशनल यूज़ या एंटीबायोटिक्स के रैशनल यूज़ के बारे में प्रमोट करें, उनके बारे में जागरूकता करें, उसके बारे में सेंसिटाइज करें। दूसरा, उसमें डॉक्टर्स के रोल के लिए उसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्टर्स जितने भी हैं वो एंटीबायोटिक्स को एंटीमाइक्रोबल्स को यूज़ करें तो उसका इंडिकेशन मेंशन करें। साथ में उसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी गई है कि वो किसी भी तरह के जो भी एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको ना दें, कोई भी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन हो तभी एंटीबायोटिक्स को दें। और उसके साथ उन्होंने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको डायरेक्शन दिए कि अगर वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं उसके लिए वैलिड रीज़न दें, उसका इंडिकेशन मेंशन करें और उसका जस्टिफिकेशन मेंशन करें। ऐसा इसलिए कि जारी किया है सर्कुलर कि हाल ही में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बहुत एक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाले समय में नई एंटीबायोटिक्स हैं नहीं और आने वाले समय में हो सकता है एंटीबायोटिक्स सबको मिले नहीं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि किस तरह से जो एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग है वो अत्यधिक किया जाए तो किस तरह से वो खतरनाक साबित हो सकती है। और आपको एक आंकड़े की अगर बात करें तो 2019 में लगभग 1.27 मिलियन वैश्विक मौतें जो है ड्रग रेजिडेंस के कारण हुई है, यानी जो दवाइयों का उपयोग अत्यधिक उपयोग था और उसके बाद वो दवाइयों ने जब असर नहीं किया तो उसके कारण जो मौतें हैं यहाँ पर दर्ज की गई है और लगातार ये आंकड़ा है हर साल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए सेहतनामा कार्यक्रम में इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।